मोदी जी पूरी कोशिश करके देश के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताकर जा रहे हैं, वही हमारी न्यूज मीडिया ये न्यूज चला रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हजारीबाग जिले में एक अनोखी घटना सामने आई है, जहां पर लड़की से धोखा खाने के बाद बदले की आग में झुलस रहा एक कोरोना वायरस का मरीज अपनी माशुका पर छींक कर भागा। जी हां, छींक कर भागा वो। लड़की का रो रो कर बुरा हाल परिजनों। मेरा इंतकाम देगी नहीं, मतलब सीरियसली यार, राजकुमार राव तो जलते तवे पर अपना पिछवाड़ा रख देगा कि अच्छा ऐसे लेते इंतकाम, मैं तो फालतू आईएएस बन के ले रहा था यार, ये तो बड़ा इजी है, बस छींकना ही तो है। तूने मुझे धोखा दिया, तू तो गई बेटा। कोरोना वायरस का पापा वायरस टिकटॉक, वहां भैया ऐसे ऐसे चैलेंजेस चलते कि ऐसा लगता है दूसरे प्लेनेट पर अगर जिया जा सके तो वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। करवाते हैं कुछ प्रबंध। अब वहां पे एक चैलेंज स्टार्ट हुआ, कोरोना चैलेंज। अब चैलेंज है तो भाई बहुत तगड़ा होगा। जी हाँ, बहुत ही तगड़ा था, टॉयलेट चाकना था। कोई सेंसेस बात इस नारंगी चूतिए को बड़ा लगा उस टाइम। चाट दिया भाई ने शौक से और कोरोना वायरस हो गया भाई को। तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग, बता तो क्या पी के आया है। जो वर्कर्स इतने मुश्किल से टॉयलेट साफ करते हैं उनको छुट्टियां ही दे दो ना यार, सारा काम तो टिकटॉक वालों ने संभाल ही रखा है। चाट चाट के टॉयलेट भी साफ कर देंगे और इनके शौक भी पूरे हो जाएंगे। पैसा नहीं हमारा, पैसा समझता आपको भाई साहब। टिकटॉक पर सर्च करके देखो, पूरा टॉयलेट चाटने वालों की कम्युनिटी बना रखी है इन्होंने। सही में भाई, इनको हमारे बॉर्डर पर खड़े जवान देख लेना कि अच्छा इनके लिए हम लोग दिन रात लगे पड़े हैं। मोदी जी ने 5 बजे तालियां और थालियां बजाने का बोला, पर कुछ लोग बिजी थे, पर एट द एंड थे तो इंडिया नहीं। इंडिया के घर घर में नासा बसा है मित्रों। वैसे यार आज इंस्टाग्राम पे लाइव मिलते हैं, ढेर सारी चैटें करेंगे और मस्तियां करेंगे, तो सब पधार जाना यार टाइम पे, सबकी जरूरत है मित्रों। अब देखो माना यार सैनिटाइजर में अल्कोहल मिला होता है, पर यार ऐसे तो मत करो। ओ चाचा तिरुपति का प्रसाद ना है वो, कसम से यार कोरोना की भी चीखे निकलवा देते होंगे ये लोग। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। हाँ, पाकिस्तान के ऑफिशियल्स कोरोना पेशेंट्स के साथ सेल्फी ले रहे। अरे तेरे को कोरोना हुआ ब्रो? हाँ ना ब्रो, सेल्फी लेते हैं। मतलब लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा, कोरोना है भाई वो, बुखार नहीं है जो हल्दी वाला दूध पी के ठीक हो जाएगा। वहाँ आंटी है बोल रही छाती ठोक के, हम सत्संग में जाते हैं हमको कुछ नहीं होगा। हम तो देखो 2-2.5 घंटे सुबह लगाते हैं पार्क में और शाम को सत्संग में जाते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कोरोना हमारे नजदीक आ जाए। क्योंकि आप सत्संग जाते हो? सत्संग में जाते हैं। प्यारी समझ गई। ये आंटी का मस्त लगाया, ये प्यारी समझ गई। प्यारी समझ गई, प्यारी तो समझ गई आंटी, आप भी समझ जाओ वरना कोरोना भी साथ साथ में सत्संग करेगा। हाँ मोदी जी की इन्होंने ये बात तो सुन ली कि 5 बजती थालियां और तालियां बजानी है, पर कमीनों घर से बजानी, तुम्हारे बाप की शादी नहीं जो झुंड बना के सेलिब्रेट कर रहे हो। भाई साहब झंडे वंडे लेकर निकल पड़े लोग, कत इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया हो। फिर इनको ये भी कम पड़ गया कि भैया ऐसे तो नहीं भागेगा कोरोना, कुछ क्रेजी करना पड़ेगा, तो देखते देखते घर में चालू होगा। मत करो यार, मत करो ऐसे, वरना हम में और राखी सावंत में फर्क ही क्या रह जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों मुझे भेजा है चाइना। हाँ, उनका स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट जो है उससे मुझे भेजा है। अरे दीदी इतनी अच्छी किस्मत हमारी कहाँ कि आपको चाइना वाले ले जाएं, और ये देखो भैंचो चार्जर की किस्मत, कहाँ डोसा रहना पड़ रहा है। कि मैं जितने भी वायरस है, जितना ही कोरोना वायरस है, उसको सिर्फ उन्होंने मुझे एकदम अंदर कोने में अलग अलग रूम में बुला के मुझे कहा इस इंडिया की एक ही लड़की है राखी सावंत। एक मिनट में अपना चेहरा दिखा दूंगा। ये तो टट्टी है। थैंक यू। आप पहचाना, मैं ही हूँ और कोई नहीं है। तो एक मिनट, चेहरा ऐसे करके कोरोना को दिखा देते ना, वो खुद को लॉकडाउन कर लेता 45 दिन के लिए। तो उन्होंने कहा कि तुम ही इस वायरस को मार सकती हो। नहीं नहीं, इनका सही हिसाब है यार, ढिंचक पूजा, राखी सावंत, इनमें कोरोना टिक ही नहीं सकता भाई, इनके शरीर में टिक ही नहीं सकता। कोरोना बोल राखी सावंत में जाएगा? ये गन फट गया। मैं बोला ना भाई, इतनी हिम्मत किसी में नहीं है इस चार्जर के अलावा। कोई फ्लाइट ही नहीं आ रही थी, क्योंकि मोदी जी ने तो क्या किया,
मुझे चाइना में छोड़ के उनका फ्लाइट गायब हो गया। मोदी जी का भी पूरा प्लान था कि पहले इस वायरस को चाइना छोड़ के आते हैं, फिर बाकी दूसरे वायरस से तो सब मिलके लड़ ही लेंगे। कहीं पर दीदियां सेल्फी लेने से बाज नहीं आ रही। कहीं पर लोग अपनी अव्वल दर्जे की एडिटिंग स्किल्स अमेरिका को सिखा जा रहे हैं। What happens? I will call you. No. I guess I have to do it. I know it's not. Coronavirus. अलग ही लेवल का एंटरटेनमेंट चल रहा है बाबू भैया। और अगर आपको भी ऐसे घर बैठ के एंटरटेनमेंट करना है तो डाउनलोड करो 1xBet, जहाँ पे आप काफी सारे स्पोर्ट्स खेल सकते हैं और स्पोर्ट्स के साथ ई स्पोर्ट्स भी अवेलेबल है। इसमें आपको सिंपल साइनअप करना होता है, कंट्री करेंसी डालनी होती है और प्रोमो कोड डालना होता है, जिससे जैसे ही आप कैश डिपॉजिट करते हो तो आपको 100% कैश बोनस मिल जाता है। तो यार लिंक मैंने कमेंट में पिन कर रखा है, इच्छा हो तो जरूर डाउनलोड करना। तो एट द एंड यही कहना चाहूंगा यार, कुछ दिन शांति से घर में बैठ जाओ। जब हम कॉलेज हॉस्टल में होते थे तब बोलते थे यार घर की याद आ रही, घर जाना है। ऑफिस वाले बोलते कि फैमिली के साथ टाइम नहीं मिल रहा, छुट्टियां नहीं देता बॉस। अब जब मिला है तो बेंचो बाहर जाना है, मतलब खुश रहने का रीजन ही नहीं ढूंढना, जिंदगी भर दुखी रहना है। चिल मारो ना यार। बोलते 21 दिनों में कोई भी बुरी आदत छूट जाती है या कोई अच्छी हैबिट बन जाती है, तो 21 दिन में कुछ कमाल ही कर डालो ना मित्रों।